तरीके से आप लुत्फ उठा पाएंगे स्नोफॉल का, जो कि भारत रेलवे की तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छी वेस्टरडोम ट्रेन लाई गई है कश्मीर में। और इस तरह इंडियन ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहले तालीम को फोकस दिया है। अच्छा, कश्मीर में भी जगह है श्रीनगर। हाँ, तो वो भी उधर वहाँ पे पैसे दे के 1,000 रुपया दे के बच्चों को पत्थर मारो करते हैं। वो कहते हैं बस ऐसे करते हैं बच्चे पत्थर क्या बोल दिया है? वो भी ऑन द कैमरा के साइंस चाहिए के इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम इस्लाम। जम्मू कश्मीर का एक मुस्लिम जो है, दाढ़ी उसने रखी हुई थी, मौलवी था, और वो कह रहा था कि हमने आज़ाद कश्मीर को भी अपने पास आज़ाद करवाना है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना है। जो एंटी अमेरिका है फॉर नो रीज़न, क्योंकि जो बाइडेन ने कॉल नहीं उठाई, जो एंटी अमेरिका है बिकॉज अमेरिका उनसे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज पाकिस्तान की अब रेलिवेंस नहीं रह गई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। काफी लोग जो है वो पाकिस्तान के मुसलमान हो चाहे भारत के मुसलमान हो, वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो 14 फरवरी को अबू धाबी में जा करके बहुत बड़ी मंदिर का वो इनॉग्रेशन करेंगे। मैं सीरियस बात कह रही हूँ, मेरा चले या ना चले, नहीं यार, सच जो सच है वो बोले ना, आवाम को क्यों नहीं आप आगे नहीं देते? 1,000 रुपया देकर पत्थर फेंकवाए जाते थे, 1,000 रुपया देकर। हाँ, वहाँ गया है, श्रीनगर में है रिश्तेदार। क्यों कि अब हमें अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है, पहले हम अमेरिका हमारे साथ एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन था अफगानिस्तान में वो कर रहे थे, अब उनको नहीं चाहिए हमें। हमारा वजीर आजम वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है, मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे, मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज नहीं है और वो आप इजाद करें, वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। अभी आप देख ले, जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेडेड है, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है इन अ सेंस के वो जो पॉलिटिकल लेवल, बाकी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो बच्चों के हाथों में उन्होंने कहा कि आप कलम पकड़े, आप किताब पकड़े, आप पत्थर ना पकड़े। उन्होंने इंडियन कश्मीरियों ने, हाँ इंडियन कश्मीरी जो पॉपुलिस्ट नारे हैं, इमरान खान को पॉपुलिस्ट कहा जाता है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन है जो एंटी अमेरिका है फॉर नो रीजन, क्योंकि जो बाइडेन ने कॉल नहीं उठाई, जो एंटी अमेरिका है बिकॉज अमेरिका उनसे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज पाकिस्तान की अब रेलिवेंस नहीं रह गई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। क्यों कि अब हमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं है, पहले हम अमेरिका हमारे साथ एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन था अफगानिस्तान में वो कर रहे थे, अब उनको नहीं चाहिए हमें। हमारा वजीर आजम अभी आप देख लें, जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेडेड हैं, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है इन अ सेंस के वो जो पॉलिटिकल लेवल, बाकी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक बड़े अच्छा रिलेशंस है, बड़े अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिकल डाउनग्रेड कर दिया गया है, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान आते हैं, ना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आया, ना कोई भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से पाकिस्तान नहीं आता। सो किस चीज़ पर आप नारा लगा रहे हैं? आप नारा लगा रहे हैं पॉपुलिस्ट नारा, आप हैं एंटी अमेरिका, ठीक है जी, आप हैं एंटी मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है जी, आप हैं, आप ये कहते हैं जनाब कि मैंने जिसे वो कहते हैं ना कि मैं मुसलमान दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो लेके आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुसलमान दुनिया जो है ना उठ खड़ी हो, ठीक है जनाब। मैं इमरान खान क्या है? इमरान खान बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप है। इमरान खान क्या है बेसिकली? इमरान खान पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं और कुछ भी नहीं है। इमरान खान, इमरान खान फ्रांस के लिए मरीन ले पेन है, ठीक है जी, इमरान खान जो है वो वेनेजुएला के शावेज हैं, इमरान खान जो स्पेन है उसमें एक लीडर हुआ करते थे, आप जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, उनकी पार्टी का नाम था पोडेमोस पार्टी थी उनकी, इसी तरह ग्रीस में है, इसी तरह और मुल्कों के अंदर। सो इमरान खान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो हंगरी के विक्टर ऑर्बान हैं। इमरान खान जो है वो एक बेसिकली एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव है जो कि अथॉरिटेरियनिज्म पे बिलीव करता है। इमरान खान बेसिकली उस चीज़ को बात करते हैं, वो ना कहते हैं मैंने किसी से बात नहीं करनी, दे रहे वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज दे रहे, कर्नाटक केरला अच्छा। हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे अपने तमाम सूबों में फैसिलिटीज। ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी है, सबको वो फैसिलिटीज दे रहे। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे, हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था, अब कश्मीर को छोड़ें, अब हमारे बलूचिस्तान वालों को देख लें इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब, ठीक है ना, ज्यादती हो रही है उनके साथ भी।
तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है उनका, और उस पर इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। ठीक है, आपको भारत के बारे में इतना नॉलेज कैसे है? क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, यूट्यूब पे देखते हैं। क्या देखती हैं कि वो कश्मीरियों को कितना फैसिलिटेट करते हैं? हम 76 सालों में कहते हैं हमने यूनाइटेड नेशंस में जाना है, कश्मीर लेना है, उसके बरक्स जब उनके कश्मीर की खबरें देखते हैं तो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे होते हैं। सर ना तो वो कश्मीर यहाँ से ले सकते हैं जो हमारे पास कश्मीर है, और ना ही पाकिस्तान उनसे ले सकता है। ठीक है ना, वो ऐसे कि ज़मीन पर आप देखें, फ़लस्तीन में ज़मीन पर लड़ाई हो रही है ना, इस तरह हमारे में भी झगड़ा होगा, लोग ही मरेंगे, कत्लो गारत होगी। इससे बेहतर है कि आप ये गोल मेज पर बैठ जाएं और उस मसले को ख़त्म कर लें। क्या उनका कश्मीर आज खुशहाल है? हाँ, उनका कश्मीर खुशहाल है। अच्छा। हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। हाय हाय हाय, आपको कैसे पता? अच्छा, वैसे मैं दाद देती हूँ आपकी बात की कि आप इतने फैक्ट्स पे बात करिए, आपको कैसे पता कि आज हमसे बगावत? सिटीजन हूँ, हैज़े आया काम करती हूँ हॉस्पिटल में, क्यों नहीं पता? आम से आम गरीब को भी पता है। मैंने किसी पॉलिटिशियन से बात नहीं करी, पिछली पूरी की पूरी असेंबली एस्टैब्लिशमेंट उनके लिए क्या करती रही, पॉलिटिशियंस मैनेज करती रही, उनके मनी बिल पास कराती रही, और बाद में उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने और कहा जी मुझे क्योंकि इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर निकाल दिया लिहाजा मैं। सो हमारे लोग फूल बनते हैं, कभी हम एक पॉलिटिशियन से फूल बनते हैं, कभी दूसरे पॉलिटिशियन से, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान फूल बना रहा है, और वो इसलिए फूल बना रहा है बिकॉज लोगों के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म डाली गई है, लोगों को ये बताया गया है कि भाई अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये बताया जाता है, ये पब्लिक रैलीज में, पर्सनल मीटिंग्स में, हर जगह ये बातें डिस्कस होती हैं कि क्यों जी हम तो वो जी एंटी अमेरिका है। ठीक है जनाब, अब इमरान खान क्या है कि उसने बड़े आराम से हमें बेवकूफ़ बना लिया और लोगों ने बड़ी तादाद में वोट। आज इमरान खान इस वक्त अगर 70-75 सीटें जीत रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जीत रहा है, नवाज शरीफ की पार्टी जो पंजाब में क्लीन स्वीप करती है वो आज हार गई, इसलिए बिकॉज के इमरान खान ने उनको कहा एंटी अमेरिका होना है, एंटी फौज होना है, और सिर्फ मजहबी कहानियाँ सुनानी है, आपने मजहब और रियासत मदीना की बात करनी है। अब रियासत मदीना क्या चीज़ है? इमरान खान खुद, जिनके बारे में अगले दिन हम बात कर रहे थे कि जिन्होंने अपनी जो थर्ड जो अपनी मैरिज की उसके अंदर उन्होंने किस तरह आइन और कानून और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया, लेकिन इवन देन पीपल डोंट बिलीव इट। वो कहते हैं ठीक है जी इमरान खान रियासत मदीना की बात करता है, हमें इस चीज़ से कोई नहीं, उसका पर्सनल करेक्टर क्या, हमें इस चीज़ से कोई नहीं, उसको रियासत बनाने दें। सो हमारे लोग जो हैं दे गेट फूल्ड विद दिस पॉपुलिस्ट, हम भी फूल्ड हो गए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बेवकूफ़ बनाया। सच जो जो बातें जैसे वो कहते हैं ना द थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड, हम जी एंटी एलीट हैं, दिस इज़ व्हाट इमरान खान सेज। ठीक है जी, अब ये करेक्टरिस्टिक्स है ना उसके पॉप